वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सभी लोगों की सलामती की दुआ मांगता हूं। यदि आज हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो हमारे समाज की और हमारी दुनिया की हालत यह है कि हर तरफ झूठ, चोरी, शोषण, अत्याचार, ऐसी अनेक प्रकार की बुराइयों का बोलबाला है। नबी मीका का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 9 और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि प्रभु ईश्वर की वाणी यह नगर का संबोधन कर रहा है, प्रभु के नाम का आदर करना हितकर है, यूदा के वंश और नगर के परिषद के सदस्यों को चुनो। क्या मैं नाप जोख में छल कपट सहन करूंगा अथवा खोटे बटखरे से घृणा ना करूं? क्या मैं उस व्यक्ति को बिना दंड के ही छोड़ दूं जो खोटे तराजू का प्रयोग करता है और अपनी थैली में खोटे बाट रखता है? तेरे धनवान लोगों में हिंसा वृत्ति भरी है, तेरे निवासी झूठ पर झूठ बोलते हैं और उनकी बातचीत कपटपूर्ण होती है। इसलिए तेरे पापों के कारण ही मैंने तुझ पर आघात करना और तेरा विध्वंस करना प्रारंभ किया है। तू खाएगा पर भूख मिटेगी नहीं, पेट हमेशा खाली रहेगा, बचाने पर भी तू कुछ संचित नहीं कर सकेगा और जो कुछ बचेगा भी उसे दूसरे आकर तलवार के बल पर छीन लेंगे। तू बोएगा किंतु काट नहीं पाएगा, भले ही तू जैतून का तेल निकालेगा पर उसे अपने ही बदन पर कभी न लगा पाएगा। तू अंगूर का रस निचोड़ेगा किंतु अंगूरी पी नहीं सकेगा। बाइबल के ये शब्द, प्रभु की ये भविष्यवाणी, प्यारे भाइयों और बहनों, हो सकता है हमें डराने वाली लगे परंतु ये सत्य है। इसलिए मैंने वक्तव्य के आरंभ में कहा कि यदि आप अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो इस समाज में हर प्रकार की बुराई व्याप्त आपको मिलेगी। झूठ पर झूठ, शोषण, अत्याचार, घूसखोरी, लड़ाई, झगड़े, मार काट, हर प्रकार की अश्लीलता हमारी दीन दुनिया में समाई हुई है। ऐसी परिस्थिति में नबी मीका पवित्र बाइबल से हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ये कहता है कि तेरे धनवान लोगों में हिंसा वृत्ति भरी है, तेरे निवासी झूठ पर झूठ बोलते हैं, कपटपूर्ण बातें करते हैं। क्या मैं इन्हें छोड़ दूं? क्या मैं इन्हें दंड ना दूं? आगे लिखता है, तेरे इन्हीं पापों के कारण, बुराइयों के कारण मैंने तेरा विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए तू खाता है लेकिन तेरा पेट नहीं भरता, तू पीता है लेकिन तेरी प्यास नहीं बुझती, तू बचाने की कोशिश करता है लेकिन तू बचा नहीं पाता है। अगर तूने कुछ बचाया भी है तो उसका उपयोग तू ना कर पाएगा, दूसरे उसे आकर लूट कर लेकर चले जाएंगे क्योंकि तू मेरी बातों पर ध्यान नहीं देता है। इन वचनों को सुनने के बाद आपके मन में किस तरीके के विचार उठ रहे हैं? मैं समझता हूं कि शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ईश्वर हमसे चाहता क्या है। तो नबी मीका अध्याय 6 पद संख्या 8 में लिखता है कि मनुष्य, तुमको यह बताया गया है कि उचित क्या है और प्रभु तुमसे क्या चाहता है, यह इतना ही है
न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। कोमल व्यवहार, कोमल भक्ति, न्यायपूर्ण आचरण और प्रभु के सामने विनयपूर्वक एकत्र होकर उसके सामने झुकना, विनम्र बनना और उसकी आशीषों को ग्रहण करना। बस एकमात्र इच्छा परमेश्वर की यह है कि व्यक्ति न्यायपूर्ण आचरण करे, कोमल भक्ति प्रदर्शित करे और अपने जीवन में प्रभु की बातों को अपनाए और उन पर चले, जिससे कि परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करे। इसी के साथ ईश्वर चाहता है कि बलिदान के पहले न्याय आप लोगों के जीवन में उत्पन्न हो। दशमांश देने से पहले उनके प्रति आपका प्रेम प्रज्वलित हो जाए। मानव के प्रति विनम्रता आपके आचरण में और जीवन में आ जाए। जब हम आत्मा से संचालित हैं तो हम आत्मिक व्यक्ति बनते हैं, हम आध्यात्मिक व्यक्ति बनते हैं और हमारे जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारिता, दयालुता, संयम और ईमानदारी ये चलने लगते हैं। हमारे जीवन में इन तमाम गुणों को हम अनुभव कर सकते हैं। वास्तव में जो लोग मसीह के हैं उन्होंने मसीह के प्रेम को पहचाना है। जो लोग उसमें विश्वास करते हैं उन्होंने यीशु मसीह के प्रेम को, उनकी क्षमा, उनकी दया, उनकी करुणा को समझा, उसको अनुभव किया, उसको पहचाना है। इसलिए वे लोग वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। मदर तेरेजा ने प्रभु यीशु की दया को अनुभव किया। मदर तेरेजा ने उनके प्रेम को, उनकी सहनशीलता को, उनकी करुणा को अनुभव किया और वही करुणा मदर तेरेजा के जीवन से प्रकाशमान होने लगी और उसी करुणा, उसी दया, उसी प्रेम को लोगों ने मदर तेरेजा के जीवन में अनुभव किया। जब वो इन लाचार लोगों को उठाती, उनको चूमती, उनकी मरहम पट्टी करती, उनको नहलाती, धुलाती, उनको साफ करती थी, तो प्रियजनों उस व्यक्ति में वो यीशु का चेहरा देखती थी। इसलिए उनके लिए ऐसा करना संभव था। मुझे और आपको शायद इन लोगों से बदबू आए, परंतु मदर तेरेजा को कभी भी ऐसे लोगों के जीवन से बदबू नहीं आई, क्योंकि वह अपने प्रभु यीशु मसीह का चेहरा ऐसे लाचार दीन दुखियों में देखा करती थी। तो धर्म का सूर्य प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उसने इंसान को धार्मिक व्यक्ति बनने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने किसी धर्म विशेष की स्थापना नहीं की, परंतु उन्होंने धार्मिकता का सूर्य बनकर प्यारे भाइयों और बहनों इस दुनिया में अपने आप को लेकर आए। धर्म में और धार्मिकता में जमीन आसमान का फर्क है। हम धर्म की बात करते हैं लेकिन कोई व्यक्ति धार्मिकता पर चलता नहीं है। आज यदि कुछ करने की आवश्यकता है तो हमें धार्मिक बनने की आवश्यकता है, धार्मिकता पर चलने की आवश्यकता है, परमेश्वर की धार्मिकता को अपनाने की आवश्यकता है, ईश्वर की बातों को अपने जीवन में मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। और ऐसा प्रभु इसलिए कहता है कि आप लोग मेरी चुनी हुई प्रजा हो, आप लोगों को मैंने बुलाया है और यही करने के लिए बुलाया है। पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है। और जब कोई व्यक्ति निजी प्रजा बन जाता है तो उसे परमेश्वर के काम करने चाहिए, जिससे कि आप लोग उसके महान कार्यों को देखें, उसके महान चिन्ह और चमत्कारों को अनुभव करें, उसकी अलौकिक ज्योति को अपने जीवन में अनुभव करें और आपके परिवारों में उसकी कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। उसने आपको करोड़ों लोगों में से चुनकर अपने लिए बुलाया, अपने लिए पवित्र किया, जिससे कि आप उसकी हजूरी में रहकर उसकी आराधना करें, उसकी महिमा गाएं, उसका धन्यवाद करें, गीत भजन गाएं। यदि आप दुखी हैं तो समर्पित हो जाएं, बीमार हैं तो प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 60 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं कि उसमें से प्रत्येक 1,000 उत्पन्न होंगे, सबसे दुर्बल से एक शक्तिशाली राष्ट्र प्रभु उत्पन्न करेगा,
मैं प्रभु उचित समय पर यह अविलंब पूरा करूंगा। यह परमेश्वर का वादा है कि मैं उचित समय पर अविलंब इन तमाम बातों को आपके जीवन में पूरा करूंगा। यीशु के नाम पर यह आशीष आज आप लोगों पर उतरे। यीशु के नाम पर आज यह आशीष आप लोगों के जीवन में उन्नति पाए। प्रभु यीशु के नाम पर आज ये आशीष आपके बच्चों के जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके खेत खलियानों में और आपकी फैक्ट्रीज में, जहाँ कहीं भी आप काम करते हैं, ये आशीष वहाँ पर 100 गुना मात्रा में आप लोगों को मिलने पाए। इसलिए यर्मिया नबी का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 4-5 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर हमें आशीष देने से पहले हमें दुख की भट्टी में होकर जाने देता है। इसलिए परमेश्वर जब हमें आशीषित करना चाहता है तो वो हमें दुख की भट्टी से होकर गुजरने देता है ताकि हमारे विश्वास की परख हो जाए, ताकि हमारा विश्वास और ज्यादा दृढ़ हो जाए, हम उन बातों को पहचाने कि परमेश्वर हमें इन तमाम दुखों से निकालकर हमें अपनी महती ज्योति के प्रकाश में लेकर आता है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं कि मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना की, अनुनय विनय की और श्रद्धालुता के कारण, आज्ञा पालन के कारण उनकी प्रार्थना को सुना गया, पवित्रता के कारण उनकी प्रार्थना को सुना गया, ईमानदारी के कारण उनकी प्रार्थना को सुना गया। प्रियजनों, क्या मेरा और आपका आध्यात्मिक जीवन प्रार्थना से परिपूर्ण है? क्या मेरा और आपका आध्यात्मिक जीवन विश्वास से परिपूर्ण है? क्या मेरा और आपका जीवन पवित्र है या नहीं? यदि मैं और आप परमेश्वर के सामने विनम्र बन के प्रार्थना करते हैं, पवित्रता में जीवन बिताते हैं, तो वो हमें आशीषों से कभी वंचित नहीं करेगा। वो आशीष आज आपके परिवार में होगी, वो आशीष आपके बच्चों में होगी, जैसा कि परमेश्वर हमसे वादा करता है। तो इसलिए यदि आप इन आशीषों को, बरकतों को और इन वरदानों को अनुभव करना चाहते हैं, तो संत पौलुस इसके विषय में लिखता है एफेसियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3-4 कि मसीह द्वारा हमको आध्यात्मिक वरदान मिले हैं। सृष्टि से पहले मसीह में हमको उसने चुन लिया है, जिससे हम पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसके प्रेम से प्रेरित होकर हम ऐसा किया करें। तो विश्वासियों के लिए एक मनन चिंतन का विषय यह है कि परमेश्वर ने मसीह में आप लोगों को चुन लिया, पवित्र किया है, जिससे कि आप उसकी कृपा से और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्रेरित होकर इन तमाम बातों को अपने जीवन में धारण कर सकें, अनुभव कर सकें और आप उन्नति पाएं। परमेश्वर का ये वादा है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 65 पद संख्या 23-24 में कि अब वे लोग व्यर्थ परिश्रम नहीं करेंगे, उनकी संतान दुर्दिन नहीं देखेगी, प्रभु का आशीर्वाद उन पर और उनके वंशजों पर सदा सर्वदा बना रहेगा। उनके दुहाई देने से पहले परमेश्वर कहता है, मैं उनकी प्रार्थना सुनूंगा और उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उसे स्वीकार करूंगा। यह परमेश्वर का वादा है। तो एक विश्वासी, एक भक्त जो प्रभु की भक्ति करता है, आराधना में जीवन व्यतीत करता है, पवित्रता में जीवन व्यतीत करता है, घर में प्रभु के वचनों का आदर करता है, तो उसके लिए प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वादा यह है कि अब वे लोग व्यर्थ परिश्रम नहीं करेंगे, उनकी संतानें दुर्दिन नहीं देखेंगी, वे घर बनाएंगे और उसमें ठहरेंगे, परमेश्वर का आशीर्वाद उनके घरों पर निरंतर बना रहेगा, उनके वंशजों पर निरंतर बना रहेगा। और परमेश्वर आपकी दुहाई देने से पहले ही कहेगा कि मैं प्रस्तुत हूं और वो आपकी प्रार्थनाओं को पूरा करेगा। ये परमेश्वर का वादा है। आपकी प्रार्थना पूरी होने से पहले आपको उत्तर मिल जाएगा। इसलिए यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 18, आप और आपके बच्चे ईश्वर के चिन्ह और प्रतीक है। आप और आपके बच्चे ईश्वर के चिन्ह और ईश्वर के प्रतीक हैं, क्योंकि वो आपको आलोकित करेगा, अपने वचन के द्वारा आपका मार्गदर्शन करेगा। दूसरी आशीष
वो इन पवित्र लोगों को, भक्त लोगों को देता है। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 11 में कि प्रभु निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा, तुम्हें मरुभूमि में तृप्त करेगा, तुम्हें शांति प्रदान करता रहेगा, तुम सींचे हुए उद्यान की तरह बनोगे, जल स्रोत के सदृश जिसकी धारा कभी सूखती नहीं है। ये हमारे यहोवा परमेश्वर का कहना है, ये हमारे यहोवा परमेश्वर का वादा है। इसलिए जितने भी लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, विश्वास करना प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपके लिए युद्ध करेगा, वो आपके आगे आगे चलेगा, बशर्ते कि आप उसके साथ ईमानदारी का जीवन जिए, आप उसके साथ रहें और वो आपके साथ रहेगा, आप उसका आदर करें और वो आपका आदर करेगा, आप उसे ऊंचा करें और वो आपको ऊंचा करेगा। आज आप में से बहुत सारे लोग काम पर जाने वाले हैं, जहां जहां आप लोग काम पर रहते हैं ईमानदारी बरतें। हो सकता है आपको लगेगा कि ईमानदारी से मेरा घर नहीं चलता, लेकिन ईमानदारी में बरकत है, बेईमानी में बरकत नहीं है। याद रखिए, ईमानदारी में बरकत है लेकिन अन्य सभी बातों में, अन्याय में बरकत नहीं है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं। क्या आप ईमानदार बने रहना चाहते हैं या नहीं? बाइबल हमें बताती है, ईमानदारी और वफादारी को अपने गले में बांध लो और तुम आगे बढ़ो और परमेश्वर तुम्हें आशीष प्रदान करेगा। अन्यथा मैंने आपके लिए एक वचन पढ़ा नबी मीका के ग्रंथ से अध्याय 6 पद संख्या 11 और उससे आगे कि इनके खोटे तराजू जिसका ये प्रयोग करते हैं और इनकी थैली में जो खोटे बाट रहते हैं, इनके धनवान लोगों में हिंसा भरी है, ये झूठ पर झूठ बोलते और इनकी बातें कपटपूर्ण हैं। क्या ऐसी परिस्थिति में हम ईश्वर की कृपा के पात्र बन सकते हैं? नहीं बन सकते। और परमेश्वर कहता है, क्या मैं इन्हें बिना दंड दिए छोड़ दूं? नहीं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। तो इंसान की इस बुरी प्रवृत्ति के कारण, इन तमाम बुराइयों के कारण परमेश्वर प्रियजनों उन्हें दंड देकर सुधारता है, वो उन्हें अनुशासित करना चाहता है, समय समय पर उन्हें याद दिलाना चाहता है कि यहोवा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है, उसका न्याय और उसका दंड दोनों बराबर है। इसलिए आज जो वचन हमने सुने हैं, इन वचनों को हम धारण करें, अपने जीवन में हम ईमानदारी बरतें, वफादार रहें, पवित्रताई का जीवन बिताएं। ईश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं तो हम चुने हुए लोगों के जैसे आचरण करें, अपनी बुलाहट के अनुरूप हम बनने की कोशिश करें और अपने दाम्पत्य जीवन में आप लोग आशीष को अनुभव करेंगे, अपने बच्चों के जीवन में आप लोग उस आशीष को अनुभव करेंगे। याद रखिए, परमेश्वर आप लोगों को हमेशा आशीष देने के लिए तैयार है, वो आपके द्वार पर खड़ा है, खटखटा रहा है, खोलेंगे तो घर में आएगा, उसका आदर करेंगे तो वो आपका आदर करेगा, उसका नाम ऊंचा करेंगे तो वो आपको ऊंचा करेगा, उसका सत्कार करेंगे तो वो आपका सत्कार करेगा, आप उसके साथ रहेंगे तो वो आपके साथ रहेगा। और परमेश्वर के साथ रहने का सबसे अच्छा उपाय है कि पवित्र वचन को पढ़ना और सुनना और सुनाना, दो या तीन व्यक्ति एक मत होकर धन्यवाद की प्रार्थना करना, पवित्रताई का जीवन जीना, और परमेश्वर आपके गढ़ों में निवास करेगा और उन्हें ब्लेस करेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, जो वचन आज आपने सुने हैं ये आपके जीवन में 100 गुना फल लाएं और प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। आमीन।